बिहार के शिक्षकों पर सरकार द्वारा लगातार जो दमनकारी नीति अपनाई जा रही है उसके तहत एक और दमनकारी नीति का प्रयोग करते हुए सक्षमता 2 का डेट घोषित कर दिया गया है। आनंद फानंद में 26 अप्रैल से 4 मई तक का डेट दिया गया है, जिसमें सक्षमता 2 में परीक्षा का फॉर्म भरना है। परीक्षा की तिथि की अभी घोषणा नहीं की गई है, उसकी भी अविलंब घोषणा कर दी जाएगी, ऐसा सरकार के पदाधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है। साथियों, जो लगातार सरकार की जो सक्षमता 1 हुआ उसका रिजल्ट निकल गया, जो साथी किसी कारण से परीक्षा दिए वो इंतजार में है कि पोस्टिंग होगी, वो नए राजकर्मी के तहत जाएंगे, क्योंकि जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे उस दिन से राजकर्मी बनेंगे और वह उनकी पहली ज्वाइनिंग तिथि मानी जाएगी। इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर ले, लेकिन सरकार देख रही है कि जैसे ही रेंडमाइजेशन सिस्टम से उनको जिले भर में दौड़ा दौड़ा के इधर उधर पोस्टिंग करती तो अन्य जो शिक्षक नहीं दिए हैं, क्योंकि सरकार द्वारा हलफनामा भी हाईकोर्ट में दिया गया और हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया स्पष्ट कि जो परीक्षा नहीं देंगे अथवा जो फेल करेंगे वो अपने नियोजन इकाई में बने रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे, उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उनको कोई हटा नहीं सकता। तो सरकार को यह डर समा गई कि जब शिक्षक तबाह होंगे तो जो नहीं दिए हैं परीक्षा वो फॉर्म नहीं भरेंगे और इस तरह से विशेष शिक्षक नियोजित रह जाएंगे, और नियोजित रहने की स्थिति में सरकार बुरी तरह फंस रही है, क्योंकि हाई कोर्ट का स्पष्ट डिसीजन है कि जो राइट टू एजुकेशन के एक्ट 23 कहता है, जो हम लोग का शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 कहता है, उसके तहत इनको जो प्रमोशन दे है, जो सुविधा दे है, वो देना होगा, वो दीजिए। और जब हम लोग 2007, 9, 8, 10, 9, 11, 12, 14, 15, 17 में जितने लोग प्रशिक्षण किए हैं सबका प्रशिक्षण का 8 साल पूरा हो गया है, इसलिए अब सरकार को पहले स्नातक ग्रेड और प्रधान शिक्षक ग्रेड में प्रमोशन देना होगा, तब जाना होगा। जैसे ही हम विशिष्ट शिक्षक बन करके नए विद्यालय में योगदान करेंगे वो हमारा पहला योगदान तिथि हो जाएगा, तो उस दिन से 8 साल के बाद प्रमोशन की बात होगी, वह भी हमारा अधिकार नहीं होगा, सरकार अपने रीति के अनुसार देगी, यानी प्रमोशन की प्रक्रिया समाप्त। जैसे ही हम भी शिक्षक बनेंगे हमारा पुराना जो भी आज तक का 20 साल का काम है वो समाप्त हो जाएगा, नए सिरे से हमारी नौकरी होगी। अगर हम पुराने पद पर रहते हम अपना प्रमोशन ले लेते हैं तब फिर हम विशेष शिक्षक बनते हैं, तब हम फिर राजकर्मी बनते हैं, तो अपने सेम ग्रेड में जाएंगे, सेम ग्रेड पे में जाएंगे, तो हमें ज्यादा लाभ होगा। यह बात सरकार भी समझ रही है, सरकार भी जान रही है, इसीलिए सरकार चाहती है कि पुराने को ध्वस्त करके और नए में इन लोगों को भेज दिया जाए, पुनः इन लोग नए सिरे से। हमारे कुछ साथी जो विशेष शिक्षक बन गए हैं, जो पहले से विद्यालय अध्यापक बन गए हैं, वो पूरा जोर लगाए हुए हैं कि सभी लोग आ जाए, जोर लगाना भी चाहिए, हर कोई चाहता है कि सामान्य गुण वाले लोग एक साथ रहे ताकि हम जोरदार आंदोलन करें, जोरदार सरकार को मनाए। बहुत सारे साथी परसों से ही लगातार फोन पर संपर्क कर रहे हैं कि सर अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, इस बार फॉर्म भरे कि नहीं। मैं बिहार के सभी शिक्षक संगठनों की प्रखंड इकाई से करबद्ध आग्रह करता हूं कि आप आज से कल तक सर्वे कर ले कि शिक्षक क्या चाहते हैं, और जिला इकाई से भी आग्रह करते हैं कि आप अपने प्रखंड इकाई से आज से कल तक सर्वे कराकर खुद सर्वे करके समझ लीजिए कि शिक्षक क्या चाहते हैं, और कल रात तक निश्चित रूप से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप अपना ओपिनियन जरूर हमको भेजिए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर, ताकि हम सभी लोगों की राय को जान के पढ़ के समझ के और अगली रणनीति की घोषणा कर सके, आगे बना सके। क्योंकि हम जानते हैं परीक्षा देंगे तो भी कुछ लोग विरोध करेंगे, नहीं देंगे तो भी कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ लोग समर्थन करेंगे, ये मानव का नियम है। आप कुछ भी कीजिए कुछ समर्थक कुछ विरोधी होते ही रहेंगे। अब हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, न अब हमको कुछ कहना है, न किसी संगठन को कहना है, न सरकार को कहना है, हाई कोर्ट के डिसीजन को आप अध्ययन कीजिए, अपने से सक्षम नहीं है तो किसी वकील से अध्ययन कराइए, पुराने शिक्षाविद से अध्ययन कराइए, और उस डिसीजन को देख करके आप अपना ओपिनियन हमको दीजिए कि हमें फॉर्म भरना उचित होगा या नहीं भरना उचित होगा, हमें उसमें जाना उचित होगा या नहीं जाना होगा, और आपका जो विचार होगा उसी विचार पर हम अगली अपनी रणनीति की घोषणा करेंगे और हम सब साथी डटे रहेंगे। एक बात जरूर कहेंगे, अगर परीक्षा देना है तो सभी साथी देंगे, नहीं देना है तो जो साथी नहीं दिए हैं कोई नहीं देंगे,
सबको एकजुटता बना के रखिए, तभी आगे सरकार हमारी बात मानेगी। और सरकार के बहकावे में और झांसे में नहीं आइए। सरकार जानबूझ के ऐसी दोगली नीति की घोषणा कर रही है, दोरंगी नीति की घोषणा कर रही है, जिससे शिक्षक बर्बाद हो जाए, शिक्षा बर्बाद हो जाए, छात्रों का पठन पाठन चौपट हो जाए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि विद्यालय सही ढंग से चले, बच्चे पढ़े। इसलिए आप लोग सरकार के बहकावे में नहीं आए, उसके बिछाए हुए जाल में नहीं फंसे। आप हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसका अध्ययन कीजिए, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसका अध्ययन कीजिए, वकील से राय लीजिए और आप अपनी राय हमको दीजिए। हम बहुत जल्द रविवार के शाम तक या सोमवार को हम अगली रणनीति की घोषणा करेंगे कि हमें क्या करना है। और वह रणनीति अब तमाम साथियों के विचार से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता से हम सलाह लेकर के, सरकार के भी जो हमारे हितैषी बड़े अधिकारी हैं उनसे सलाह लेकर के, और तब हम वह घोषणा करेंगे। और बहुत जल्द वह घोषणा होगी। आप तब तक अपनी एकता बनाए रखिए, चट्टानी एकता बनाए के सरकार के सामने न हम रुकेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षक संघ बिहार।